हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम सिंधु गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए करेले की बेल पर अगर आपके फूल जो है लगकर झड़ जाते हैं, जा करेल नहीं लगते हैं, जा फूल ही नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए क्या करें। जैसे कि देखिए मेरी इस बेल पर कितने बड़े बड़े करेले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो जड़ है हमें उसके पास से थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी होगी इस तरह से। हमें बिल्कुल जड़ के पास नहीं जाना है, जड़ से थोड़ा सा दूर। ये गोबर की खाद डालनी है, देसी गोबर का ढेर डालना है। गोबर की खाद डालने के बाद मैंने जो होममेड फर्टिलाइजर बनाया था वो डाल दूंगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई DAP या कोई यूरिया ऐसा कुछ केमिकल देने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक खाली गोबर की खाद डाली है मैंने, वो भी सड़े हुए गोबर की, फ्रेश नहीं डालनी है। और जो होममेड मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था, जैसे किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो दिया है। ये मेरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नीलम सिंधु गार्डन से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी गार्डन के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। आई विल रिप्लाई।